जानेंगे कि हम डेसिमल से रैशनल नंबर कैसे बना सकते हैं, और ये हम मोस्टली रीअकरिंग डेसिमल प्लेसेस के केस में करते हैं। और इसके भी दो मेथड्स हैं, जो आपको अच्छा लगे आप उसको ऑप्ट कर सकते हैं। तो देखते हैं सबसे पहला मेथड क्या है। मैंने यहाँ पे 5 एग्जांपल्स लिखी हैं, इनको हम एक सेकंड में सॉल्व कर देंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि बार कितने नंबर्स के ऊपर है। यहाँ पे 0.4 में बार सिर्फ 4 वाले नंबर के ऊपर है। कई बुक्स में पॉइंट या डॉट की फॉर्म में भी दिया होता है, उसका मतलब भी रिपीटिंग टर्म्स होता है। तो यहाँ पे बार सिर्फ एक डिजिट के ऊपर है, तो रैशनल नंबर बनाने के लिए हम डिनोमिनेटर में उतने 9 लगा देंगे जितने नंबर्स के ऊपर बार है। जैसे यहाँ पे सिर्फ एक नंबर के ऊपर बार है, तो इसके नीचे 1 9 आ जाएगा, और ऊपर न्यूमिनेटर में वही नंबर लिख देंगे जो आपको गिवन होगा, 4। अब नेक्स्ट वाले में 0.753 तीनों के ऊपर बार है, तो नीचे कितने 9 आ जाएंगे डिनोमिनेटर में, 3, और ऊपर जो नंबर है वही आ जाएगा, है ना, इजी। अब ये आ गया थोड़ा सा डिफरेंट केस। इसमें सिर्फ 6 7 के ऊपर, 0.467 में सिर्फ 6 7 के ऊपर बार है, 4 के ऊपर बार नहीं है। तो इस केस में क्या करेंगे, सबसे पहले डिनोमिनेटर में जितने नंबर्स के ऊपर बार है उनको लिख लेंगे 9 9। अब जिस नंबर के ऊपर बार नहीं है उसकी हम लगा देंगे 0 डिनोमिनेटर में, ये लगा दी हमने 0। ऊपर हम पूरा नंबर लिख देंगे 4 6 7, और उसमें से जिस नंबर के ऊपर बार नहीं है उसको माइनस कर देंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 4 6 3 upon 9 9 0। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, ये भी थोड़ा सा डिफरेंट है। पहले तो हम देखेंगे कितने नंबर्स के ऊपर बार है, 2 नंबर्स के ऊपर बार है, 2 नंबर्स के ऊपर बार है, तो 9 9। अब यहाँ पे आप बोलोगे कि 2 नंबर के ऊपर बार नहीं है, बट हम सिर्फ पॉइंट के बाद वालों को देखेंगे, पॉइंट के आगे वालों को नहीं देखेंगे। अब पॉइंट के बाद सिर्फ एक नंबर ऐसा है जिसके ऊपर बार नहीं है, उसकी हम लगा देंगे 0। ऊपर लिख देंगे पूरा नंबर, अब ये नहीं है कि सिर्फ पॉइंट के बाद वाला लिखना है, पूरा नंबर 2 3 5 2, और इसमें से हम माइनस कर देंगे वो दोनों डिजिट्स जिनके ऊपर बार नहीं है। अब ये ध्यान देना है कि आपको दोनों डिजिट्स माइनस करने हैं, 23 माइनस कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा 2 3 2 9 upon 9 9 0। अब दूसरा मेथड भी देख लेते हैं कि दूसरे मेथड से कैसे हम कर सकते हैं। इस एग्जांपल को हम पहले अपने पुराने वाले मेथड से कर लेते हैं, फिर हम नए वाले मेथड से करेंगे, फिर देखेंगे कि आंसर मैच होता है या नहीं। सबसे पहले कितने नंबर के ऊपर बार है, 2 नंबर्स के ऊपर बार है, तो उतने आ जाएंगे 9। अब पॉइंट के पहले 1 नंबर है, अगर पॉइंट के बाद होता तो हम 0 लगाते, नहीं तो आप 0 नहीं लगेगी। अब ऊपर लिख देंगे पूरा नंबर, और उसमें से माइनस उसको कर देंगे जिसके ऊपर बार नहीं है, जैसे कि सिर्फ 1 के ऊपर बार नहीं है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 126 upon 99। अब जो हम दूसरा मेथड करेंगे देखेंगे उसके साथ भी हमारा 122 upon 99 आता है या नहीं। तो सबसे पहले दूसरे मेथड के लिए हम इसको जो हमें गिवन होगा उसको x मान लेंगे, x इज इक्वल टू 1.27 बार। बार का मतलब क्या होता है, रिपीट हो रहे हैं, रीअकर हो रहे हैं नंबर्स। तो मैं इसको ओपन करके इस तरह से लिख सकती हूँ, 27 27 27, सो ऑन अप टू, ये चलता ही जाएगा, ये कभी खत्म नहीं होगा। तो अब मैं क्या करूंगी, इसको 27 को मुझे इस तरफ लेके आना है पॉइंट के, तो मैं इसको 100 के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगी, बोथ साइड्स 100 के साथ मल्टीप्लाई, बोथ साइड्स 100 के साथ मल्टीप्लाई करने पे मेरा 127 इस तरफ आ जाएगा, उधर फिर से मेरे पास बच जाएगा 27। एक्चुअली इसको इस तरह से लिखते हैं, 127.27277। ये मैंने इसलिए मिटाया ताकि मेरा 272727 इसके एक दूसरे के नीचे आए, ताकि मुझे कटिंग करने में प्रॉब्लम ना आए और मेरे को एक स्टेप दोबारा से ना लिखना पड़े, क्योंकि एग्जाम में टाइम कम होता है तो हमें स्टेप्स कम से कम करने चाहिए। तो अब ऐसा करने पे मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूंगी, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको 2, हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, या 2 में से 1 कर लीजिए, तो इसको नीचे लिख लीजिए, मैं इसी तरह से कर दूंगी क्योंकि आंसर तो सेम ही आएगा, तो इसको माइनस। अब ये 100 में से 1x माइनस होगा तो 99x आएगा, बट यहाँ पे क्या है, बड़े वाले के साथ साइन माइनस का है, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा।
अब 121 में से 127 में से 1 माइनस कर देंगे 126 और साथ में नेगेटिव साइन और ये सब हमें 0000 दे देंगे जिसको हमें लिखने की जरूरत नहीं है। वैसे तो हम बोलते हैं हिट एंड ट्रायल में कि दोनों साइड नेगेटिव कट जाते हैं बट कटते नहीं है, उनको हम न्यूट्रलाइज कर देते हैं माइनस के साथ मल्टीप्लाई करके बहुत साइड्स, बट हम यहीं पे कटिंग ही कर देते हैं क्योंकि वो अच्छा लगता है कट करना। तो एक्स इज इक्वल्स टू 126 अपॉन 99, तो इस तरह से भी 126 अपॉन 99 ही हमारा आंसर आया। और इस तरह से ये टाइम बचाने वाला मेथड है, तो मैं तो बोलूंगी आप इसी को प्रेफर करिए, बाकी आपको जो अच्छा लगता है आप उस मेथड के साथ क्वेश्चंस कर सकते हैं। अब ये रहे दो क्वेश्चंस आपके लिए होमवर्क, जिनका आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। और मैंने कर दिया है डिफिकल्टी लेवल इंक्रीज क्योंकि मैंने इसमें आपको ऑप्शंस नहीं दिए हैं, सिर्फ क्वेश्चन दिए हैं, आपको आंसर सॉल्व करके कमेंट में बताना है। अगर आपका आंसर राइट हुआ तो आपका नेक्स्ट वीडियो में नाम लिया जाएगा, बट मुझे शायद डिफिकल्टी लेवल इंक्रीज नहीं करना चाहिए था बिकॉज आप लोग बिल्कुल पार्टिसिपेशन शो नहीं करते। एक आधा कमेंट आता है, जो मैंने इंडियन न्यूमरेशन वाली वीडियो पोस्ट की थी उस पर सिर्फ एक कमेंट आया था जो कि ठीक था, ऑप्शन ए उसकी राइट आनी थी जो कि दीपिका शर्मा ने दिया था, उनका आंसर राइट था। और जो प्लेस वैल्यू वाला कंसेप्ट करवाया गया था उसकी वीडियो में जो मैंने लास्ट में क्वेश्चन पूछा था उसका राइट आंसर आना था ऑप्शन बी, जिसका एक ही ने रिप्लाई किया था, शिव ओम प्रियंका ने, जिनका आंसर भी था राइट। तो अभी मैं तो चाहती हूँ कि आप सीखें और आप सॉल्व करें और देखते हैं कि आपको कितना समझ में आया। तो ट्राई करना इन दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व करने की और अपने कमेंट्स में इसके आंसर बताना, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपका नाम बताऊंगी। तो सबसे पहले आपको कन्वर्ट करना है रैशनल नंबर 17/20 को डेसिमल फॉर्म में। जैसे मैंने बताया, दो मेथड्स बताए हैं, जो इजी लगे उसके साथ आप इसको सॉल्व कर देना। उसके बाद आपको सिर्फ आंसर कमेंट करना है, पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है कमेंट में। वैसे तो आप कमेंट ही नहीं करते हो, बहुत कम कमेंट करते हो। नेक्स्ट है कन्वर्ट डेसिमल। अब इस डेसिमल को आपने रैशनल नंबर में कन्वर्ट करना है। तो अगर आपको ये कंसेप्ट समझ में आया है, जो आपको मेथड अच्छा लगे, दोनों के लिए मैंने दो दो मेथड्स बताए हैं, जो मेथड अच्छा लगे उसके साथ सॉल्व करके आंसर कमेंट जरूर करना और मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक भी करना। थैंक यू सो मच।